बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू यूनिक फूड किचन। उम्मीद करती हूँ विवाज आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट से इंग्रेडिएंट्स हैं, आज बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। पहले हमने बनाए थे पोटैटो लॉलीपॉप्स और आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप्स। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी कुछ और थी, चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी कुछ और है। रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। चिकन हमें चाहिए होगा, एक मुर्गी का सीना है बोनलेस किया हुआ, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ओरिगेनो 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, ग्रीन चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, धनिया और 2 हरी मिर्चें छोटे साइज़ की चॉप की हुई, और ये स्टिक्स चाहिए होंगी जिनके ऊपर हम लगा के पॉप्स बनाएंगे, लॉलीपॉप्स बनाएंगे। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं कि रेसिपी कैसे बनेगी। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे, चॉपर में, और कीमा बना लेंगे, चॉप कर लेंगे और उसके बाद लॉलीपॉप्स बनाते हैं। जी, तो सारी चीज़ें चॉपर में डाल लेंगे, मसाले भी और इंग्रेडिएंट्स। जो ये ब्रेड क्रम्स हैं 2 से 3 टेबलस्पून बाइंडिंग के लिए हैं, तो इनको मैं चॉप कर लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं चॉपिंग के बाद। जी, तो हमारा चिकन जो है ना वो अच्छा सा चॉप हो गया, मसाले मिक्स कर लिए मैंने। ये देखें इतना ढीला होना चाहिए इस तरह से। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ढीला है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स 1 टेबलस्पून और डाल सकते हैं। हाथों को ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा चिकन वाला मसाला लेंगे, इतना कि जिसमें लॉलीपॉप की शेप बन जाए। यूं करके इसको दबा के लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से लगाएंगे। और ये पे मेरे पास तिल है, वाइट तिल लगाते हैं, लेकिन मेरे पास ब्लैक और वाइट दोनों मिक्स हैं, तो इनको इसके ऊपर कोट कर लेंगे। ऐसे लगाएं, ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप हाथों से थोड़ा इसको यूं लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से दबा लेंगे, क्योंकि फ्राई करते हुए कुछ तिल उतर जाते हैं, आप इनको दबा लेंगे तो फिर ये उतरेंगे नहीं। चलिए जी, बारी बारी सारे चिकन लॉलीपॉप्स बना लेते हैं और फिर इनको फ्राई करेंगे। ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ये सर्दियों का मौसम है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं डिशेस में। और इससे ये होता है कि ठंड में ये तिल बहुत अच्छे होते हैं बच्चों की सेहत के लिए भी। और ये लॉलीपॉप्स आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ज़रूर रेसिपी ट्राई करें और रेसिपी एंड तक ज़रूर देखा करें। ऐसे लगाएंगे और इसको अच्छे से दबा लेंगे। जी, तो हमारे लॉलीपॉप जो है वो शेप में आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इनकी लुक अच्छी लग रही है वैसे, वाइट ब्लैक तिल से। तो चलिए हम देखते हैं कि इनको फ्राई कैसे करते हैं। जी, पैन मैंने रख लिया है और ऑयल डाल दिया इसमें, तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल है, इतना कि जिसमें ये डीप फ्राई तो नहीं, शैलो फ्राई होंगे, तो ऑयल ज़रा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें डालूंगी। जी, ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें एक एक करके हम ये रखेंगे। जी, इनको ऐसे फ्राई कर लेंगे और एक तरफ से पक जाए तो दूसरी साइड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, अच्छी सी गोल्डन कर लेना है और मीडियम लो हीट पे इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि कीमा कच्चा है तो इसको पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तेज़ आँच होगी, ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से ही कच्चा रह जाएगा। ये देखें, ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, इस तरह से हमने गोल्डन कर लेने हैं और इनको निकाल लेना है और फिर दूसरे वाले डालेंगे। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इनको निकालते हैं और दूसरे वाले डालते हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लॉलीपॉप जो हैं वो चिकन लॉलीपॉप फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें डिश आउट करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन लॉलीपॉप जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और इनको थोड़ा मैंने ये कवर कर दिया है एल्युमिनियम फॉइल से, और ग्रीन चिली सॉस से मैं सर्व कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस है, रेड चिली सॉस भी, गार्लिक सॉस भी से भी कर सकते हैं, केचप से कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, इससे आपको मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।